ट्राई करने में पता चलेगा कि कैसा स्वाद है, बाकी चीज़ देख लो। शाम के वक्त जब धूप ख़त्म हो जाती होगी लोग मज़े से यहाँ पे बैठते होंगे। स्वागत है जी आप सबका चिटोरा पॉइंट के एक और नई वीडियो में। और भाई इस वक्त मैं घूम रहा हूँ जी बरियन में, सिएटल डाउनटाउन से तकरीबन एक घंटा दूर में आया हूँ। और आज जो मैं कवर करने आया हूँ ना, आज मैं कवर करने आया हूँ जी अलबर्टोस मैक्सिकन फूड। भाई कमेंट आए थे कुछ लोगों के इंडियन फूड के अलावा भी कुछ दिखाओ, तो मैंने सोचा भाई मैक्सिकन फूड US में बहुत फेमस है तो अंदर चलते ट्राई करूँगा और आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें ले रहा हूँ। ट्राई करके बताऊँगा कि मुझे यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। बाकी आप लोकेशन देख लो, लोकेशन तो भाई US कैनेडा वगैरह में सारी की सारी बढ़िया ही होती हैं। 24 आवर्स ड्राइव थ्रू ओपन भी है और अंदर चलते हैं, बाहर भी सिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी बनी हुई है। मतलब ना शाम के वक्त जब धूप ख़त्म हो जाती होगी लोग मज़े से यहाँ पे बैठते होंगे। बाकी भाई अंदर चलते हैं, केसडिया वगैरह चीज़ें हैं, दो चीज़ें मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, प्रिपेयर हो रही हैं। बाकी इनकी यहाँ यहाँ पे ब्रांचेज़ हैं, आप देख सकते हो भाई कुछ 5-6 ब्रांचेज़ हैं इनकी। अगर आप इधर कभी आसपास आते हो तो यहाँ पे फूड ट्राई कर लेना, बाकी टेस्ट वगैरह मैं देख लूँगा। ये 12 स्ट्रीट टैकोज़ हैं $13 में और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी इंक्लूड है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक को लोग बोलते हैं जी सोडा। बाकी अंदर से सिटिंग एरिया देख सकते हो, डाइनिंग एरिया वगैरह ये बना हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे है इनकी ये किचन, ऊपर इन्होंने मेन्यू वगैरह चीज़ें मेंशन कर रखी हैं अपनी जो जो चीज़ें हैं। बाकी ये वाली गेम्स वगैरह तो इंडिया में भी बहुत जगह होती हैं। बाकी सही है, दो चीज़ें ऑर्डर कर चुका हूँ, आती हैं तो दिखाता हूँ क्या चीज़ ट्राई करूँगा। बाकी यहाँ पर इन्होंने सैलड वगैरह चीज़ें जो हैं इनकी ग्रेवीज वगैरह ये सेल्फ सर्व रखी हुई है, क्या जिसको जितनी चाहिए। फाउंटेन कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगी। भाई फूड आते तो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ लेने वाला हूँ। वैसे मैंने जो ऑर्डर किया मैं आपको बता दूँ तो मैंने ऑर्डर किया जी एक वेजी बरीटो और दूसरा करा जी चीज़ एंचिलाडास। ये दोनों चीज़ें आती हैं तो टेस्ट करके बताऊँगा और आपको सबसे पहले उसकी लुक दिखाऊँगा। भाई अलबर्टोस मैक्सिकन रेस्टोरेंट का मेरा फूड आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लुक। और भाई जो हैवी है ना क्वांटिटी वगैरह तो मेरे को देखने में बहुत भारी लग रहा है। मतलब ये लंच तो मेरे को लग रहा है एक रोल वगैरह से इसी से हो जाना चाहिए था। बाकी फिर भी मैंने अब दो चीज़ ले लिए, जितना खाया जाएगा खाऊंगा, बाकी इसको टेक अवे करवा लूँगा। ये जी वेजी बरीटो, और भाई बहुत हैवी है ये, कम से कम मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, 500 ग्राम का आराम से है, इतना हैवी। मतलब आपको इसकी लुक से ही ना पता चल रहा होगा कि ये कितना भारी है। बाकी ये मैंने लिए जी चीज़ एंचिलाडास, ये भी दिखाता हूँ जी इसको ओपन करके कि इसकी लुक वगैरह किस तरीके की है। ये है जी चीज़ एंचिलाडास, और भाई सही बता रहा हूँ ये दोनों चीज़ें प्योर वेजिटेरियन है, फिर कहीं कमेंट करने लग जाओ कि नॉन वेज खा लिए या कुछ है। बाकी दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ग्रेवी वगैरह ऊपर लेटस डली हुई है, चीज़ वगैरह चीज़ें डली हुई हैं। अब टेस्ट करके बताता हूँ भाई कैसा लगता है। बाकी ये दोनों चीज़ें हैं, ये जी वेजी बरीटो, बरीटो तो आपको इंडिया में मिल जाएगा, ये भी मिलता होगा कई रेस्टोरेंट वगैरह में, मैंने नहीं ट्राई किया इंडिया में। बाकी भी मेरे को साथ में मिला जी एक फोक, एक नाइफ, कुछ टिश्यू पेपर्स वगैरह। इसको ज़रा सा ना ओपन करके देखते हैं, कुछ ग्रेवी टाइप की डली हुई है। बाकी ये है एंचिलाडास, चीज़ वगैरह डला हुआ है, चेडार चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों हैं। ऊपर ये डाल रखी है इसके ऊपर लेटस वगैरह चीज़ें। अब भाई टेस्ट देखना है इसकी, इसका टेस्ट आता किस तरीके का है। लग तो बढ़िया रहा है, कुछ ट्राई करने में पता चलेगा कि कैसा स्वाद है। बाकी चीज़ देख लो, चीज़ वगैरह इसके अंदर भी डला हुआ है। भाई वेजी बरीटो की आपने एक बार लुक देख लो, देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी इसमें ना देखो क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, आप पढ़ सकते हो, बीन्स है, राइस है, लेटस है, ये पीको डगालो और चीज़, ये पीको डगालो पता नहीं क्या होता है, अभी तो मैं तो टेस्ट ही बता सकता हूँ कि अच्छा है कि नहीं है। बाकी मील हैवी लग रही है, आप इसके अंदर देख सकते हो मोज़रेला चीज़, चेडार, बाकी टोमेटो, लेटस वगैरह डला हुआ है। यही होगा ये जो है पीको डगालो, ये चीज़ ट्राई करके देखेंगे। भाई फूड की आपको लुक दिखा दिया, अब बारी है इस हैवी से वेजी बरीटो को ट्राई करने की। ट्राई करके देखते हो फिर बताऊंगा जी इसका टेस्ट कैसा है, फिर जो मैंने पे किया उसका प्राइस भी बता दूंगा आपको। ओहो भाई सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है वो तो कैबेज वगैरह का, सैलेड का फ्लेवर आ रहे हैं,
बाकी चीज़ वगैरह इसके अंदर खुला डाला हुआ है, मोज़रेला चीज़, चेडार चीज़ वगैरह डाला हुआ है। ये जो है ना, ये बीन्स की जो होते हैं ना, बीन्स को अच्छे से मैश कर रखा है, उसकी ये ग्रेवी टाइप की बना रखी है। ओवरऑल टेस्ट अच्छा है, हैवी मील है। प्रॉपर बॉयल्ड राजमा जो होते हैं ना, उस तरीके के हल्के हल्के से स्पाइसेस है, कोई बहुत ज़्यादा तीखे स्पाइसेस नहीं है, और हैवी मील है। मेरे को नहीं पता था कि ये इतना हैवी मिलेगा, अदरवाइज मैं सिर्फ एक ही चीज़ लेता, बाद में कुछ लेना होता तो ले लेता। अब थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँगा, बाकी टेक अवे करके ले जाऊँगा। बाकी टेस्ट कमाल का। पेट नहीं भरना, थोड़ी मील खानी ना, तो ये हाफ में ना इनफ है। दो चार घंटे आपको भूख नहीं लगने वाली, ये आधा खाने के बाद भी। इसका मैंने पे कीजिए $7.50, और मेरे को $7.50 में ना ये बहुत सही मील लग रही है भाई। ये तो कम माल का था। आप ट्राई करते हो जी चीज़ एनचिलाडास, और इसका टेस्ट देखते हैं कि इसका फ्लेवर्स किस तरीके के आते हैं। ट्राई करता हूँ जी। बहुत बढ़िया भाई, मज़ेदार। चीज़ खुला डरा हुआ है, ऊपर भी गार्निश कर रखा है। इसके अंदर ये जो एनचिलाडास जो है ना, दो पीस जो मिले हैं, ये पूरा चीज़ से ही भरा हुआ है। टेस्ट अच्छा है, मज़ेदार है। मतलब मेरे को लगता है कि ये बच्चों को ना खाएंगे ना, बच्चे बहुत पसंद आएगा, जिनको चीज़ पसंद आता है। बाकी ये जो एनचिलाडास है ना, ये देखो लेयर मैंने ओपन करी है, अंदर भी मोज़रेला चीज़ और चेडार चीज़ भरा हुआ है। मतलब चीज़ की क्वांटिटी जो है ना, पोर्शन वगैरह काफ़ी अच्छा खुला डाला हुआ है। इसे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखो चीज़ ही चीज़ है। मतलब चीज़ लवर्स के लिए एक बढ़िया मील है। दोनों मील में हल्के हल्के से स्पाइसेस है, कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। सॉसेस वगैरह वहाँ पे हैं अगर आप लेना चाहते तो। मेरे को मीडियम स्पाइसेस पसंद है, इसलिए मैंने कोई सॉस ली नहीं, ताकि ओरिजिनल चीज़ के फ्लेवर पता चल सके। और इस मील बॉक्स का भी प्राइस है $7.50, टैक्स पे करके मैंने पे किए जी $16.50। मेरे को दोनों की दोनों चीज़ें कम माल की लगी। कभी US कैनेडा आते हो फ्यूचर में तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता ये डाउनटाउन वगैरह में होगा ब्रांड, ये लोकल ब्रांड है। जैसे अगर आप सिटी से थोड़ा सा दूर चले जाते हो ना, तो आपको वहाँ के लोकल ब्रांड भी देखने को मिल जाते हैं, उसी तरीके से ये लोकल ब्रांड है। मगर फूड कमाल का है। 4-5 ब्रांचेस हैं, सामने मेंशन कर दूँगा। जितनी मेरी डाइट है, मेरे लिए एक ही चीज़ काफ़ी थी। अब मैं हाफ़ ये खाऊँगा और हाफ़ ये बरीटो खाऊँगा, बाकी दोनों चीज़ें पैक करवा के ले जाऊँगा। बाकी भी अब आप कमेंट करके बताना कि आपको ये बरीटो ज़्यादा अच्छा लगा देखने में या एनचिलाडास, क्योंकि टेस्ट तो आप कर नहीं सकते। टेस्ट मैंने करके बताया, मेरे को दोनों की दोनों चीज़ें बढ़िया लगी। बाकी भाई इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी कमेंट करके बताना कि आपको ये बरीटो और एनचिलाडास कैसा लगा।